दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी सेलेक्टर में। दोस्तों आज अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केरला क्रिकेट एसोसिएशन T20 चैंपियनशिप के फर्स्ट मैच के बारे में, जो कि खेला जाएगा TRC वर्सेस GRO के बीच में। दोनों ही टीमों के बीच ये मुकाबला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह के 9 बजे सनातन धर्मा सी क्रिकेट ग्राउंड अलापुजा में खेला जाएगा। ये मैच की वेन्यू है, ये टाइमिंग है एंड इस मैच से रिलेटेड जो भी सारी डिटेल्स होंगी वो मैं आपको जैसे कि प्लेइंग 11 हो गया और चॉस के बाद की सारी अपडेट, स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की 6 टीमें जो होंगी वो आपको टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से जाके इस टेलीग्राम कि जो चैनल है इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स एज वेल एज डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर ही प्रोवाइड करा दिया है। आपको जाना है, जस्ट चैनल को क्लिक करना है, उस लिंक पे क्लिक करना है एंड जस्ट चैनल को ज्वाइन करना है। चलिए बढ़ते आगे, अब बात करते हैं अपने टीम के बारे में। हमारी जो पहली टीम है TCC त्रिपुरिथा क्रिकेट क्लब, उसकी प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लेते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे पहले एस सचिन आएंगे, दाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं। अगर इनके T20 करियर की बात करें तो 161 मैच में 2903 रन, 165 नॉट आउट हाइट स्कोर है इनका। 25 के एवरेज के साथ इन्होंने 151 विकेट्स लिए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जा रहे हैं, बैटिंग एज वेल एज बॉलिंग के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट बल्लेबाज जो कि मोहम्मद कैफ है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, 13 मैच में 383 रन, 93 नॉट आउट इनका सर्वाधिक है, 32 का एवरेज। अब्दुल बशीद की अगर बात करें तो 37 मैचेस में 767 रन, 102 सर्वाधिक है इनका, 26 का एवरेज के साथ 39 विकेट लिए हैं। गोविंद देव पाई की बात करें तो T20 मैचेस में दो मैचेस खेले, इन्होंने अभी तक 38 रन बनाया, 30 इनका सर्वाधिक है, 19 का एवरेज। और बात करें वनडे मैचेस की तो 3 मैचेस में 82 रन, 61 सर्वाधिक, 41 का एवरेज और साथ साथ 2 विकेट भी चटकाए हैं। अब्राहम वी की बात करें, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 20 मैचेस में 819 रन, 97 नॉट आउट हाई स्कोर है इनका, 51 का बैटिंग एवरेज, साथ ही साथ 6 विकेट, काफ़ी अच्छा बैटिंग एवरेज है इनका। नेक्स्ट बात करते हैं एस शिवराज की, तो एस शिवराज बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। हालांकि इनका बैटिंग ऑर्डर जो मैंने यहाँ पर सेट किया है 6 नंबर पर रखा है, हो सकता है आपको बैटिंग करते हुए ऊपर दिख जाए। प्लेइंग परसेंटेज की अगर इनकी बात करें, प्लेइंग परसेंटेज इनका काफ़ी कम है, बट अगर इनके स्टैट्स को अगर हम देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि ग्रैंड लीग में ऐसे ही प्लेयर काम आते हैं जिन्हें बाकी लोगों ने निगलेक्ट किया रहता है, बट अगर आपके टीम में ये रहते हैं, इनके स्टैट पर आप देखें, 61 मैचेस में 917 रन, 71 हाई स्कोर, 19 के एवरेज के साथ इन्होंने 88 विकेट लिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन इनका परसेंटेज जो सिलेक्शन परसेंटेज है ऐप पर ये काफ़ी कम है। नेक्स्ट पढ़े आगे, निखिल बाबू की बात करें, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, 26 मैच के 15 इनिंग्स में 116 रन, 42 का हाई स्कोर और 41 विकेट। श्रीहरि एस नायर, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिन, 5 मैच में 11 विकेट। MD निहादिश की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 10 मैच में 10 विकेट। जोश एस प्यारेल की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, 8 मैच में 8 विकेट। हृदय अभिलाष की बात करें, दाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट आर्म फास्ट मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, 8 मैचेस में 10 विकेट। अब बात कर लेते हैं बेंच पे जो प्लेयर्स हैं उनकी, तो अभिराम ऋतिक की बात करें, 5 मैच में 144 रन, 50 सर्वाधिक है इनका, 29 का एवरेज है। आदित्य रमेश 2 मैचेस खेले, 57 रन बनाए, 48 इनका सर्वाधिक, कोई भी सफलता नहीं मिली है, दाएं हाथ के बल्लेबाज है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करते हैं। आकाश बाबू बाएं हाथ के बल्लेबाज है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, 38 मैच में 686 रन, 65 का हाई स्कोर, 23 का एवरेज, साथ ही साथ 17 विकेट। विघ्नेश ई की बात करें तो राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, 29 मैचेस में 443 रन, 57 का हाई स्कोर, 20 के एवरेज के साथ 11 विकेट। बहुत अच्छी, इनका कॉम्बिनेशन देखिए, एज अ ऑलराउंडर ये काफ़ी परफेक्ट चॉइस हो सकते हैं। मोहम्मद आशिक की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, 5 मैच में 138 रन, 60 का हाई स्कोर, 47 का एवरेज और 3 विकेट। अफराद रिशाब की बात करें, दाएं हाथ के बल्लेबाज, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, 16 मैचेस में 23 विकेट। संजीव सतीशन की बात करें, राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम फास्ट, 15 मैच में 184 रन, 38 का हाई स्कोर, 5 विकेट। और जगन्नाथन MR की बात करें तो राइट हैंड दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, अंडर 16 मैचेस में इन्होंने 1 मैच में केवल 8 रन बनाए हैं। अगली टीम जॉली रोवर्स, इनकी बात करते हैं तो इनकी तरफ से हमें ओपनिंग करते हुए दिख सकते हैं
वत्सल गोविंद शर्मा राइट-हैंड बैट्समैन और लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं। 32 मैचेस में 1240 रन, 112 नॉट आउट, 46 का एवरेज और 13 विकेट। ध्वज रायचूरा की बात करें दाएं हाथ के बल्लेबाज, 47 मैचेस में 1375 रन, 106 नॉट आउट, हाई स्कोर इनका, 37 का एवरेज, 4 विकेट। आनंद कृष्णन बाएं हाथ के बल्लेबाज राइट हैंड स्पिन बॉलिंग करते हैं, 5 मैच में 135 रन, 70 का सर्वाधिक और 34 का एवरेज। निखिल टी दाएं हाथ के बल्लेबाज है, 4 मैच में 250 रन, 93 का हाई स्कोर, 63 का एवरेज। हालांकि कम मैचेस खेले हैं बट इनकी बैटिंग, अगर बैटिंग एवरेज की बात करें, काफ़ी अच्छी बैटिंग एवरेज है। आगे बढ़े अमल रमेश राइट हैंड बैट्समैन, राइट आर्म मीडियम, 23 मैच के 17 रनिंग्स में 370 रन, 61 हाई स्कोर है, 23 का एवरेज के साथ 47 विकेट। विग्नेश पुथुर बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्ट आर्म चैनल में बॉलिंग करते हैं, 27 मैच के 18 इनिंग्स में 153 रन, 37 का हाई स्कोर और 29 विकेट। वी के वी श्री राग राइट हैंड बैट्समैन लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं, 4 मैच के 1 इनिंग्स में 3 रन, 4 विकेट। एम राबिन कृष्णा राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट, 4 मैच के 3 इनिंग्स में 38 रन, 26 हाई स्कोर, 4 विकेट। शबीन पाशा के तो ये दाएं हाथ के बल्लेबाज है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, 6 मैच के 3 इनिंग्स में 43 रन, 22 का हाई स्कोर, 11 विकेट। सलमान फारिस की बात करें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है, 57 मैच में 72 विकेट। अब बढ़ते हैं बेंच के प्लेयर की तरफ अखिन सत्तार राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं, 17 मैचेस में 15 विकेट। मोहम्मद शाफिर की बात करें तो 6 मैच में 22 रन, 5 विकेट। यदुकृष्णा लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, 10 मैच में 138 रन, 48 का हाई स्कोर, 3 विकेट। पी मसूद पर हम थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, देखिए बेंच पे हमें फिलहाल इन्हें बेंच पे रखा है। लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, 41 मैचेस में 810 रन बनाए हैं, 79 इनका सर्वाधिक है, 23 के रुचा 16 विकेट लिए। तो ये भी उसी तरह के प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी कम रहा है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं ग्रैंड लीग के दृष्टिकोण से। आगे बढ़ते हैं श्रीहर्ष पी नायर की बात करें, 7 मैच में 158 रन, 47 सर्वाधिक है इनका नाबाद और 32 का एवरेज है। कामिल अबू बकर की बात करें लेफ्ट हैंड बैट्समैन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, ये भी देखिए अब इनके स्टैट्स पर आप नज़र डालिए, 67 मैच में 1022 रन, 58 का हाई स्कोर, 20 के ओवर के साथ 4 विकेट। ये भी एक अच्छे किफ़ायती प्लेयर हमारे ग्रैंड लीग के लिए हो सकते हैं। मोहम्मद इशाक पी की बात करें राइट हैंड बैट्समैन राइट आर्म मीडियम बॉलिंग करते हैं, 53 मैच में 1329 रन, 124 का हाई स्कोर, 29 के ओवर के साथ 2 विकेट। अन्य जो दो प्लेयर हैं अनिल नारायण और मोहम्मद रिजवान, पर्याप्त स्टैट है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते चलिए बात कर लेते हैं अपनी टीम के बारे में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें, विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने अपने टीम में एस सचिन और डी रायचूर इन दोनों को रखा है। बैटिंग सेक्शन में 3 बल्लेबाज एस शिवराज, ए बसित और के अबूबकर होंगे। 3 ऑलराउंडर होंगे टीम में, एन बाबू, एस नायर, वी शर्मा। और बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो एम निधाइश, एस फारिश, पीके और ए रमेश 3 बॉलर हैं। तो ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लें तो ए बसित को एज अ वाइस कैप्टन और वी शर्मा को एज अ कैप्टन मैंने अपने टीम में सेलेक्ट किया है। ये तो एक प्रोबेबल टीम का मैंने आपको प्रीव्यू दे दिया है। फाइनल टीम जो होगी आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है टेलीग्राम के चैनल पर जाएं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और मैच की जो फाइनल अपडेट टीम होगी आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।